हे गाइस, देखो आज ये बात करने वाला हूँ पुष्पा द रूल के बारे में, जिसके ऊपर काफी शॉकिंग अपडेट्स निकल के आ चुकी हैं, जो कि इसके डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स के ऊपर आए हैं। और सही में ये सुनने की बात तो तुम्हें ऐसा अनुमान लग ही जाएगा, ऐसा प्रेडिक्शन लग जाएगा कि मूवी किस लेवल पर बनाई गई है भाई, किस लेवल पर इसको क्रिएट किया गया है। और ये सब सुनने की बात तो मेरे भी खुद के होश उड़ गए थे यार। तो सही में तुम जब सुनोगे तो तुम्हारे भी सही में होश उड़ जाएंगे। तो मैं इन चीज़ को कवर करने वाला हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो से भी चले तो वीडियो को लाइक करना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपको पता ही होगा कि इसके डिस्ट्रीब्यूटर राइट जो है अब धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। तो भाई मेकर्स की तरफ से ये अपडेट निकल के आ रहे हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर राइट सिर्फ एक जगह के, यानी एक जगह का सिर्फ इन्होंने 100 करोड़ से ऊपर की डिमांड की है, मतलब इसके मेकर्स ने। आप सोच सकते हो कि सिर्फ यार अभी इसके सिर्फ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर राइट हैं, सोचो अगर पूरे के डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स मिला दिया जाए तो सोचो कितनी डिमांड करेंगे मेकर्स। क्योंकि भाई पुष्पा द रोल के लिए ना सही में बंदे नहीं, पूरे की पूरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हाइप बना के बैठी हुई है। क्योंकि इस हिसाब से इसको क्रिएट किया गया है ना भाई, जो इसके मेकर्स हैं, इसके जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने साफ बोल दिया है कि इंडियन सिनेमा के अंदर ऐसी कोई मूवी नहीं बनी होगी। सोच सकते हो कि इस लेवल पर बनाई जा रही मूवी। और सोचने वाली बात यह कि सिर्फ एक ही जगह से इसको सिर्फ 100 करोड़ से ज़्यादा डिमांड किए गए हैं। अब सोचो जब अगर और भी डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर हो गया और भी वर्ल्ड वाइड में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, जब उनके पास ये मूवी जाएगी और तब देखो कितनी डिमांड करते हैं मेकर्स, वो तो सोचने वाली बात होगी। सो सोचने वाली बात है कि कितना डिमांड कर सकते हैं भाई। सही में मैं ये सब सुनने की बात तो मेरे खुद की होश उड़ गए कि सिर्फ एक ही जगह से सिर्फ 100 करोड़ की डिमांड करी है। आप सोच सकते हो जब हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर की बात आएगी या अगर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लें तो सोचो कितना काम आके जाएगी भाई। तो भाई सही में मैं इसके लिए आपको ज़्यादा एक्साइड हो चुका हूँ। और पुष्पा द रोल को अभी टाइम तो है, लेकिन इसके ऊपर जो अभी से ऐसी अपडेट निकल के आ रही है, तो सोच सकते हो किस लेवल पे इसे बनाया गया है। और सही में अब मैं पर्सनली इसके लिए कुछ ज़्यादा एक्साइड हो चुका हूँ। और तुम भी यार अपने यहाँ कमेंट से ही बताओ कि तुम ये सुनने के बाद तुम्हारे होश उड़े कि नहीं उड़े, और तुम इसके लिए कितने ज़्यादा एक्साइड होकर बैठे हुए हो कमेंट से जरूर बताना। कहीं से वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बस मैं आज के लिए अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।